वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत मज़े का और मौसम के लिहाज से, गर्मियों के हवाले से बहुत मज़े का लगेगा आपको। मैंगो ट्राइफल बनाने जा रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी मैंगो लिए मैंने दो अदर। एक मैंगो को मैंने काट लिया है, रफली सा मैंने काट के इसकी पूरी तैयार कर ली है, और एक मैंगो को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में क्यूब की शक्ल में काट लिया है। दो पैकेट लिए मैंने बिस्किट के, मैंने कैंडीज बिस्किट लिए हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। शुगर लिए मैंने 3 टेबल स्पून, 1 लीटर मैंने लिया है मिल्क, एक जेली का पैकेट लिया है, कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, मैंने मैंगो फ्लेवर लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि मैंगो ट्राइफल बना रही हूँ इसलिए मैंगो लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है मैंने, 1 लीटर मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, और मिल्क मैंने ऑलरेडी बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। कस्टर्ड पाउडर मैंने डाला है 3 टेबल स्पून। इसमें हम दूध ऐड करेंगे, ये बिल्कुल चिल्ड है, ठंडा दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, मिल्क में ऐड करूँगी। तुम्हारा ऑलरेडी बॉइल है, मैं थोड़ा करके इसके अंदर डाल दूँगी सारा मिक्सचर। साथ साथ हम तेजी से चम्मच अपना हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुटली और लम्स ना बने। मैंने सारा डाल दिया और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अब मैं इसे 5 मिनट और इसे बॉईल करूँगी। अब हम फिर शुगर ऐड करेंगे, उसको मैंने चाहिए 3 टेबल स्पून। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और काफ़ी थिक हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे, उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर मैं सेट करूँगी इसे। कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से ठंडा हुआ है। जेली भी हमारी अच्छे सेट हो गई है। अब मैं इसे इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह, इसकी कटिंग कर लेनी है क्यूब्स में। जेली की कटिंग कर ली है। डिश में हम सेट करते हैं। ये जो बिस्किट हैं इसको भी मैंने चॉपर में डाल के हल्का सा क्रश कर लिया था। पहले हम इसकी लेयर लगाएंगे। अब हम कस्टर्ड ऐड करेंगे अपना, एक लेयर इसकी लगाएंगे, अच्छे से सेट कर लेने स्पून की मदद से। इसको मैंगो पल्प ऐड करेंगे, एक लेयर हम इसकी लगाएंगे। हम जेली सेट करेंगे,
फिर एक लेयर बिस्किट की, अगेन हम लगाएंगे मैंगो पर्ल, इसकी लेयर लगाएंगे, अगेन हमने कस्टर्ड की लेयर लगाई है, अब इसमें मैंगो क्यूब्स ऐड करने हैं, बहुत मज़े का लगेगा। हम क्रीम ऐड करेंगे डेकोरेट के लिए, मैंगो ट्राइफल हमारा बनके रेडी है, बहुत यम्मी बना है, लुक वाइज बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।